भज मन राधे 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 शंभु शंभु। यदि आप दोस्तों महाकाल के भक्त हो तो आपने सोशल मीडिया पर वायरल हर हर शंभू सॉन्ग तो सुन ही लिया होगा, लेकिन दोस्तों अब कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, जिसके अंदर कंपेयर किया जाता है एक अन्य सॉन्ग को जिससे हर हर शंभू सॉन्ग कॉपी लग रहा है। इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सच के अंदर हर हर शंभू सॉन्ग कॉपी किया गया है और कुछ हिडन फैक्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल अपडेट होती है उस रिलेटेड मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि YouTube पर आपको एक भजन मिलेगा, भजबन राधे गोविंदा, जिसको अश्वता गोपी ने गाया है और इस सॉन्ग की धुन को आप सुन सकते हैं जो कि हर हर शंभू सॉन्ग से बिल्कुल मिल रही है और हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यह सॉन्ग कॉपी किया गया है। लेकिन इसके अंदर हिडन बात यह है कि जीतू शर्मा जो उस सॉन्ग के सिंगर और राइटर हैं, उन्होंने अश्वता गोपी से परमिशन ली थी और उस सॉन्ग को रिलीज होने से पहले ही अश्वता गोपी से पूछ लिया था कि क्या मैं इस सॉन्ग को रिलीज कर सकता हूँ, आपने राधे गोविंदा यानी कि कृष्ण जी पर इस धुन के अंदर सॉन्ग बनाया है और हम महाकाल यानी कि शिव जी के ऊपर बना रहे हैं, तो क्या इससे आपको कोई तकलीफ है। तो उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि हर हर शंभू सॉन्ग आप रिलीज कर सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कि हमारा वीडियो जब रिलीज भी हुआ था तब भी हमारी अच्युता गोपी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इस वीडियो से गीत से मुझे कोई समस्या नहीं है और बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे धुन पर शिव जी का भी एक गाना बना है, कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया है जिन्होंने उनका छोटा सा कॉम्पोजिशन जो हमने हर हर शंभु शिव महादेवा गाया है वो भजमन राधे गोविंद का उस लाइन का कॉम्पोजिशन से लिया गया है और मुझे परमिशन दिया था कि आप गा सकते हैं इस गाने को, मेरे को कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों विद परमिशन है यह सॉन्ग बनाया गया था, यह सब बातें आपने जीतू शर्मा के मुंह से ही सुनी होगी, उनके चैनल पर है और छोटा सा क्लिप मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यह थी कुछ हिडन बातें हैं। तो कुछ व्यूवर कह रहे हैं कि वो सॉन्ग कॉपी किया गया है, तो यह बात सच है, लेकिन विद परमिशन वो सॉन्ग को रिलीज किया गया है। और एक बात यह भी है कि इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है जीतू शर्मा और अभिलाषा पंडा की, जो कि हर हर शंभू शिव महादेवा सॉन्ग के सिंगर है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वायरल अपडेट इस चैनल पर मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।